सब्सक्राइब करें जीके संसार को और दबाएं बेल को सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। जीके का भंडार इधर है, आपका ध्यान किधर है? क्योंकि जीके संसार ही है जीके का भंडार। नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें और पास में जो बेल है उस पर भी क्लिक कर लें। और आइए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ के अंग। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं वो जानेंगे और इसे हम एक रोचक ट्रिक के द्वारा जानेंगे जिसे कि आसानी से हम याद कर सकेंगे और किसी भी परीक्षा में पूछे जाने पर हम आसानी से उसे सॉल्व कर पाएंगे। और आइए इसे हम देखते हैं कौन सा ट्रिक है और कैसे उसे इम्प्लीमेंट करना है और कुछ क्वेश्चन भी हम करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ट्रिक है वो है आप सच में ना महासूर हैं। ठीक है, जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि आप सच में ना ब्रिलियंट हैं, आप सच में ना महान हैं, उसी तरह से आप सच में ना महासूर हैं। तो आइए इसे जब हम अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा वो देखते हैं। इसमें एक चीज़ याद रखना आप सब कि जितने भी वर्ड जो हैं, शब्द जो हैं काले अक्षर में लिखे हैं वो यहाँ पे नगण्य हैं, इनकी कोई मीनिंग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, बाकी जितने वर्ड्स हैं, जितने शब्द हैं उसके मीनिंग्स हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जो आप बना है आ और प से, इसमें आ जो है इससे हम लेंगे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा हमारा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ठीक है, उसके बाद आता है प, प से हम ले लेंगे प्रन्यास परिषद। ठीक है, सच, सच से हो जाएगा हमारा सचिवालय। उसके बाद ना, ठीक है, ना से हो जाएगा आपका न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, ऐसे इसका हम कहोगे इसका होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, लेकिन यहाँ पे मैंने ट्रिक में बैठाने के लिए ये न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय लिया है, कोई इसमें गलती नहीं है। ठीक है, महासूर, महा से बन जाएगा हमारा महासभा और सुर से जो बन जाएगा वो बन जाएगा सुरक्षा परिषद। ठीक है, सुरक्षा परिषद। तो ये हमारा ट्रिक है और इससे हम जान पाएंगे यानी कि जो यूएनओ के हैं वो छः अंग हैं। कौन कौन से हैं? आर्थिक और सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, सचिवालय, न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय और महासभा, और जो लास्ट है वो है सुरक्षा परिषद। इस चीज़ आपको याद रखना है कि नीदरलैंड्स में, जो नीदरलैंड का हेग है, वहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो है, बाकी की जो जितने भी काम होते हैं वो होते हैं न्यूयॉर्क से। ठीक है, सिर्फ न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय जो है वो हेग में है, बाकी सारे न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और आइए हम कुछ प्रश्न देखते हैं और इसके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? यूएनओ का फुल फॉर्म जो है वो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? ऐसा करने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं। ठीक है, इन्होंने ही फर्स्ट टाइम संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था। और उसके बाद आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? ये हुआ 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जो संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि है, जिसमें श्वेत रंग है, जैतून की दो ऊपर की और खुली हुई शाखाएं, बीच में विश्व का मानचित्र, हल्की नीली पृष्ठभूमि। यूएनओ में इस ध्वज को कब अंगीभूत किया गया, मतलब कब अपनाया गया? ये अपनाया गया अक्टूबर 1947 को। ठीक है, उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिवमत भाषाएं जो हैं वो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश हैं। लेकिन कार्य करने की कौन सी भाषाएं, ये दो ही लैंग्वेज में काम होता है वहाँ पे, वो है अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। उसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो जो सचिव जो हैं अभी महासचिव वो हैं एंटोनिया गुटेरस। ठीक है, यही अभी हाल फिलहाल में बने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी जो सदस्य हैं वो 193 देश हैं। ठीक है, और लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण के लिए
संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत एक नए निकाय का गठन किस नाम से किया गया है? इसका नाम है यूएन विमन। ठीक है, उसके बाद भारत इवेनो का सदस्य किस वर्ष से है? तो भारत जो है इवेनो का सदस्य जो है 1945 से है। कौन से दो देश इवेनो के सदस्य देश नहीं है? वेटिकन सिटी और ताइवान जो है वो इसके सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, उसके बाद आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो हैं, परमानेंट सदस्य हैं, उनके पास से अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अर्थ क्या होता है? तो ये है मैं मना करता हूँ, यानी कि वो मना कर रहा है उस काम को, नहीं होगा। अगर उसने वीटो लगा दी तो वो काम रुक जाएगा, नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कौन कौन से देश हैं? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? फिर मैंने पिछले ही टॉपिक बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है, बाकी जितने भी हैं वो न्यूयॉर्क में। ठीक है, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी किस नाम से जानी जाती है? इसे हम जानते हैं हेमर सोल्ट लाइब्रेरी के नाम से। ठीक है, हेमर सोल्ट। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित रखी गई है? तो इसे अमेरिका की राष्ट्रीय पुरा लेखागार में रखा गया है। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो इसमें से है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यासी परिषद, जो कि अभी मैंने बताया था 6 हैं। ठीक है, और यही 6 हैं जिसे ट्रिक के माध्यम से भी मैंने जाना। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है न्यूयॉर्क अमेरिका में। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सुरक्षा परिषद। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने सब धाराएं व अध्याय हैं? जो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर हैं उसमें कितने सब कितने धाराएं व अध्याय हैं? इसमें 10,000 शब्द हैं, 11,000 धाराएं हैं और 19 अध्याय हैं। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय हेतु तो भूमि किसने दान में दी थी? तो जॉन डी रॉकफेलर थे, उन्होंने दान में जमीन दी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? तो 10,000 कर्मचारी काम करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो वो होते हैं महासचिव। फिर है महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख व्यवस्थापिका का नाम बताएं? तो यह है महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन कौन सा है? यह है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन।